तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरना यहां पर बरकरार है। आपको बता दें, कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पहलवान विनेश फोगाट ने कई आरोप लगाए हैं। कुश्ती संघ पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों का बयान भी सामने आया है, सबूत देंगे तो कोर्ट और प्रधानमंत्री के ही सामने। फोगाट के आरोप पर एक्शन में सरकार आ गई है। खेल मंत्रालय ने आरोपों पर संज्ञान लिया है, 72 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। WFI अध्यक्ष को हटाने की मांग इस दौरान की जा रही है। तो धरने पर ये तमाम पहलवान बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुश्ती संघ पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों का बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर सबूत देंगे तो कोर्ट और प्रधानमंत्री को ही देंगे। इसके साथ ही फोगाट के आरोप पर एक्शन में सरकार आ गई है। खेल मंत्रालय ने आरोपों पर संज्ञान भी लिया है और आपको बता दें कि 72 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। WFI अध्यक्ष को हटाने की लगातार यहां से मांग की जा रही है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। धरने पर इस वक्त पहलवान बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरना देखा जा रहा है और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ मोर्चा इन पहलवानों ने खोला। पहलवान विनेश फोगाट ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुश्ती संघ पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही धरने पर बैठे पहलवानों का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि सबूत देंगे तो कोर्ट और प्रधानमंत्री के सामने, ये कहा गया है। खेल मंत्रालय ने आरोपों का संज्ञान भी लिया और इसके साथ ही 72 घंटों के भीतर जवाब दिए जाने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। तो दिल्ली जहां जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरना इस वक्त देखा जा रहा है, तस्वीर भी हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। पहलवान विनेश फोगाट ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुश्ती संघ पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, बेहद गंभीर आरोप है। हालांकि इस दौरान इन पहलवानों का बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर यह कहा है कि अगर हम सबूत देंगे तो सीधा प्रधानमंत्री या कोर्ट के सामने रखेंगे वो सबूत। फोगाट के आरोप पर अब एक्शन में सरकार है। खेल मंत्रालय ने आरोपों पर संज्ञान लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 72 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही WFI अध्यक्ष को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। कहा है कि जब तक धरना देते रहेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, और ऐसे में इन पहलवानों का प्रदर्शन, इससे पहले भी कई गंभीर आरोप इन पहलवानों द्वारा लगाया जा चुका है, लेकिन अब ये पहलवान धरने पर बैठ गए। तस्वीर आप देखिए, पहलवानों का धरना यहाँ पर और उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। पहलवान विनेश फोगाट ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुश्ती संघ पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों का बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर उनका ये कहना है, सबूत देंगे तो कोर्ट और प्रधानमंत्री के सामने। इसके साथ ही फोगाट के आरोप पर सरकार भी अब एक्शन में है और इस पूरे मामले पर संज्ञान सरकार ने लिया है। इसके साथ ही 72 घंटों के भीतर जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। WFI अध्यक्ष को हटाने की लगातार ये मांग भी कर रहे हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीर जहां पर आपको बता दें कि पहलवानों का जंतर मंतर में धरना जारी है। तो सीधी तस्वीर भी आप देखिए, बाकी यहाँ पे धरना किया जा रहा है। कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं और ये कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए थे और एक बार फिर जंतर मंतर में इन पहलवानों की भीड़ देखी जा रही है।
और इस सर्द रात में ही खुले में आसमान के नीचे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे इनकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद अब ये बवाल जारी है। हालांकि आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ अब यहाँ मोर्चा खोल दिया गया है। कुश्ती के सभी दिग्गज खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सर्द रातों में भी खिलाड़ियों का ये धरना प्रदर्शन जारी रहा और अब इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उसके बाद सारे सबूत दिखाएंगे। धरना देने वाले पहलवानों में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग भी हैं, साथ ही साथ रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी हैं। उत्पीड़न का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। बजरंग पुनिया ने देश भर से कुश्ती के खिलाड़ियों से जंतर मंतर पहुंचने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप सभी खिलाड़ी और कुश्ती प्रेमियों से निवेदन है कि कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे और खिलाड़ियों का समर्थन करें। हालांकि आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। विनेश ने यह भी कहा कि वह ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा मानसिक उत्पीड़न की पीड़ित थी और विनेश ने कहा है कि उन्होंने आत्महत्या पर विचार भी किया था। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सबूत उनके पास है लेकिन वो सबूत तभी दिखाएंगे जब कोर्ट के सामने वो होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वो पहुंचेंगे। इससे पहले वो सबूत नहीं दिखाएंगे। इसके साथ ही WFI अध्यक्ष को हटाने की लगातार इस धरने से मांग की जा रही है। हालांकि महिला पहलवान ने यह भी कहा कि मैंने आज खुले तौर पर यह कहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कल जीवित रहूंगी या नहीं। हमने कई बार अनुरोध किया है कि कैंप को लखनऊ से हटा दिया जाए। ऐसा केवल वही क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए शिकार करना आसान है। ये कई गंभीर आरोप देखे, सबकी अपनी अपनी बातें, लेकिन सभी एकजुट इस वक्त नजर आ रहे हैं पहलवान और इनके कई गंभीर आरोप हैं। इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये धरने पर बैठे हुए पहलवान बयानबाजी इस दौरान की जा रही है। तो विवेक दीक्षित फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। विवेक, बहुत गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं इन पहलवानों द्वारा। इस वक्त जंतर मंतर में धरना जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या कुछ मांगे? देखिए, बिल्कुल ये अनुमति का मामला सामने आ रहा है क्योंकि रेसलर जो फेडरेशन जो इंडिया है उसको जो यहाँ के पहलवान जो बैठे हुए हैं इनका आरोप है कि उनकी जो सुविधाएं हैं जो सुचारू रूप से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो लगातार क्योंकि यहाँ पर लोग बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो बड़े पहलवान हैं खिलाड़ी हैं वो कल से आए हुए थे, हालांकि अपने लोगों का यहाँ इंतजार कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो जंतर मंतर का जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जो युवा है उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो आरोप है क्योंकि जिस तरीके से इनका आरोप है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म किया जाए, जो उनको सुविधाएं चाहिए अनुमति जो नहीं हो पा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कि उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार वो देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से जो फाउंडेशन में जो कार्य चल रहा है क्योंकि जिस तरीके वहां पर वहां पे कोच है या फिर वहां पे जो सीनियर अधिकारी है
हैं वो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रेसलर है, जो पहलवान है, उनसे नाराज है, उसको लेकर आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं धरने पर। जी बिल्कुल, धरने पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर कुश्ती संघ पग यौन शोषण के आरोप इन्होंने लगाए हैं और इसको लेकर वो बैठे हुए हैं, हटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हालांकि संज्ञान लिया गया है। विवेक बिल्कुल साफ तौर पे कहना है इनका, जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो जो बड़े चेहरे हैं, अगर हम बात करें बजरंग पुनिया की, तो बजरंग पुनिया भी यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ जितने बड़े चेहरे हैं, क्योंकि ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, जो प्लेयर हैं यहाँ पर आ चुके हैं, जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि जिससे WSI की जो निर्देश आया था, WSI का जो जो WSI का जो निर्देश आया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो निराश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, और जो उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो उन पर हुक्म चलाते हैं, उसके बाद जिस तरीके से कई दिन को खाना नहीं मिल पाता है, इनका कहने का मतलब है कई दिन को खाना नहीं मिल पाता है, इनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, इनके साथ अत्याचार किया जाता है, तो कई आरोप इनके ऐसे हैं जो इन्होंने लगाए हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो रेस्लर फाउंडेशन है वो जब तक इनकी मांगों नहीं मानेगा तब तक वो इसी प्रकार से धरने में बैठे रहेंगे। विवेक, याद है कि इससे पहले भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, ये कहा गया था खाना को लेके, लेकिन उस समय एक्शन नहीं लिया गया और अब ये धरने पर बैठे रात से ही खुले आसमान के नीचे, तो बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन अब सवाल यही कि सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। हालांकि संज्ञान जरूर लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त भी इन्होंने मांगा है। विवेक, क्या आपको आवाज आ रही है? विवेक, क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां की बनी हुई है, क्योंकि देखिए इनका लगातार आरोप भी है कुश्ती संघ पर। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी तरीके के आरोप लगे थे, खाने को लेकर आरोप लगे थे कि खाना अच्छे से नहीं दिया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, यहां तक कि यह कहा गया है कि आत्महत्या की भी कई लोगों ने कोशिश की है, तो बेहद परेशान हुए। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर संज्ञान लिया गया है और इसी बीच प्रधानमंत्री से भी वक्त मांगा गया है मिलने का। बैठे हुए हैं जो प्लेयर बैठे हुए हैं, खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनकी मांग है जब तक उनको सुचारू रूप से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उनको मिल नहीं पा रही है, उसको लेकर यहाँ पर जो भीड़ संख्या दिखाना चाहूंगा, ये लगातार जो देखिए यहाँ पर भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जो युवा है वो किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि जंतर मंतर का जो यहाँ पे जिस तरीके की जो हालात है, यहाँ पे जो संख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि इनका कहना, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें देश के लिए, जिस तरीके से काम करते हैं देश का, जब ये सोना और चांदी का जब मेडल लेके आते हैं, सोने और चांदी का जब मेडल लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का सीना चौड़ा होता है। और वही ये प्लेयर है जो जिनको मैच में होना चाहिए था, लेकिन आज वो जमीन पर उतरे हुए अपनी मांगों को लेकर, अपनी सुविधाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे फाउंडेशन जो इंडिया है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उन सुविधाओं को लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर बजरंग पुनिया भी यहाँ पर आते थे और यहाँ पर कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वो सीनियर है, अगर वो आज अपनी बातों को नहीं उठाएंगे तो जो जूनियर है वो। और इस वक्त स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब संज्ञान जरूर लिया जाएगा, लेकिन इस पर बहुत जरूरी हो जाता है एक्शन लेना, क्योंकि इस तरीके से अगर पहलवान जंतर मंतर पर किसी बात को लेकर धरने पर बैठते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं।